तिमाही में पीएनबी हाउसिंग का मुनाफा 7% गिरा है। कंपनी को इस दौरान करीब 240 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। आय में भी गिरावट देखने को मिली है। नतीजों पर पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ हरदयाल प्रसाद जी से बात की है। जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स पर सर जानना चाहेंगे। एनआईएस डेफिनेटली यहाँ ग्रो हुए हैं इस बार, बट प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, क्या वजह रही सर? मैं ख्याल से मैम प्रॉफिट में बहुत कम डिफरेंस आया है, सिर्फ 6% का कम आया है अगर आप देखें पिछले क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। बट अगर सिक्वेंशियली देखें तो देयर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। हमने मार्च क्वार्टर के अंदर 127 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी 243 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में अगर सिक्वेंशियली देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। सबसे बड़ा और ये अगर आप इस बात से और इसको मिला लेंगे कि हमारे जो एयूएम है या जो लोन बुक है वो काफी डिप्लीट हो रही है, वो कॉन्शियसली हमने करी है क्योंकि हम कॉर्पोरेट बुक से बाहर निकल रहे हैं। तो एक डिप्लीटिंग बुक के अंदर भी अगर इतना प्रॉफिट आ सकता है, ये सिर्फ ये बताता है कि सिस्टम के अंदर बहुत एफिशिएंसी आई है और सिस्टम में जो इनिशिएटिव्स हमने जो कंपनी ने लिए थे उन सब का फायदा आ रहा है और प्रॉफिट डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि हम प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करेंगे और यही सारे इनिशिएटिव जैसे जैसे सॉलिडिफाई होते जाएंगे हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा। बट सर, हाउसिंग सेक्टर में जो एक तरह से हमने देखा रिकवरी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है, डिमांड अच्छी है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं डिसबर्समेंट्स भी ठीक ठाक हुए हैं इस बार। ओवरऑल आप आगे कैसा व्यू रखते हैं स्पेशली डिसबर्समेंट्स को लेकर? क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम इम्प्रूवमेंट देखते जाएंगे फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर? क्या आउटलुक है सर, यहाँ से और बेहतर नंबर्स दिख सकते हैं? लेकिन ये कहना आज बड़ा मुश्किल है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आएगा, तो कोविड अगर डेल्टा के अंदर कुछ हो जाता है तो ग्रोथ के इकोनॉमी कितनी अच्छी चलेगी और क्या ग्रोथ क्या म्यूटेड रहेगी। हम फिर भी ये हमारा ये अनुमान है कि हम ग्रोथ करेंगे क्योंकि हम रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो और कॉर्पोरेट बुक को स्लो डाउन कर रहे हैं या उसको एग्जिट कर रहे हैं। तो हमारे एयूएम में जो ग्रोथ आएगी सिंगल डिजिट ग्रोथ को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज है जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए होती है और वो होता है उसका डिसबर्समेंट। लास्ट ईयर हमने डिसबर्समेंट किया था पूरे साल भर का अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। और हम पूरे के पूरे इस तरीके का जो हमारा प्लान है कि हम एटलीस्ट 40-50% की इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर 10,000 करोड़ किया था तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करेंगे और हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं 14,000-15,000 करोड़ के डिसबर्समेंट जरूर हों। और ये जरूर आप ध्यान रखिए और जितने जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी कि हम एग्जिट कर रहे हैं कॉर्पोरेट बुक से। तो पहले क्या था, कॉर्पोरेट भी आता था, रिटेल आता था। अब जो हमने इस बार 1700 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, 94% उसके अंदर सारा का सारा रिटेल का है। श्योर सर, एक फाइनल सवाल सर फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सभी जानना चाहते हैं अपडेट कार्लाइल डील पर क्या है इस वक्त। आई नो मैटर इज अप फॉर हियरिंग, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है, कितने कॉन्फिडेंट है कि दिस विल गो थ्रू, आगे क्या यू नो व्यू रखें शेयर होल्डर्स? कंपनी के बोर्ड ने तो 31 मई को अनाउंस कर दिया था दैट 4,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे। हाउएवर व्हाटएवर वर द रीजंस, प्रेजेंटली माई मैटर सब जूडिस है, सैट के अंदर मैटर है, सैट में हियरिंग खत्म हो गई है और हम सैट का ऑर्डर अवेट कर रहे हैं। जैसे ही सैट का ऑर्डर आ जाता है हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन वेरी क्लियरली डिसाइड करेंगे, बोर्ड के पास जाएंगे और जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लियरली हम वी लाइक टू अनाउंस आवर कोर्स ऑफ एक्शन कि हम ये करेंगे इस तरीके से फंड रेज में। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपना जो रीबैलेंसिंग करी अपने और जो हमने इनिशिएटिव्स लिए, जो कॉर्पोरेट बुक कम करी जिसके हमारे आपको एयूएम भी कम दिखता है हमारा, ये जो इनिशिएटिव्स है इसी का है कि हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया और हमारी गियरिंग कम हो गई। इस चीज ने हमारे पास इतना कैपिटल फ्री कर दिया है कि हम रिटेल ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी प्रेजेंटली वेट कर रही है ऑर्डर्स का और कंपनी के पास सफिशिएंट है कि यू कैन कंटिन्यू टू ग्रो
because it has now a better capital adequacy ratio. I think that is more important from our perspective. कि हम इस अगर इस इन सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को एफिशिएंसी पैरामीटर्स को रीबैलेंस्ड प्रॉपरली चला लेंगे तो वी विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड वी विल वेट फॉर द ऑर्डर टू कम एंड देन सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू। ओके, तो पीएनबी हाउसिंग के मैनेजमेंट को कोरोना काल में भी अच्छी ग्रोथ का पूरा भरोसा। निलेश जी, पीएनबी हाउसिंग करीब 2.5% की तेजी के साथ इस घंटे ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स पर ये कैसा लग रहा है? पावेल मानसी जी, देखिए एक स्पाइक हमने देखा था कुछ समय पहले, लगभग 850 तक के लेवल यहाँ पे हमको देखने को मिले थे। उसके बाद एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि एक अच्छा बेस बन चुका है लगभग 650-660 के रेंज में, तो उसी के स्टॉप लॉस से जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इन कर रहा है कि ऑन द हायर साइड 850 के लेवल फिर से छू सकता है, थोड़ा समय देना होगा, 3-4 months के टाइम होराइजन से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव टर्न हो सकता है। राइट, चलिए राय फिलहाल आपको मिलती हुई पीएनबी हाउसिंग पर। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।